कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर। देखिए, CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2023-24 का बुक, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का नया बुक, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2023 का बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। ये बुक आपको इन शहरों के बुक डिपो में मिल जाएगा। यहाँ पर शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन बुक डिपो में जाकर के आप करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे की बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट को डाउनलोड करके यहाँ से इन पुस्तकों को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के बुक्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवा। कृषि एवं संबद्ध सेवा के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे कि फसलें, पशुपालन, आपका वनोद्योग, लट्ठे बनाना, बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। लेकिन इस अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवा के अंतर्गत हम मुख्य रूप से फसल क्षेत्र की भागीदारी को पढ़ते हैं। ठीक, फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 में स्थिर कीमतों पर भागीदारी कितनी रही। देखिए, फसल क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP में भागीदारी रहा 26,98,261 रुपए का। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो छत्तीसगढ़ के कुल GSDP का 9.89% भागीदारी इस फसल क्षेत्र की है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 6.53% की वृद्धि दर्ज की गई। इंपॉर्टेंट है, ये फसल वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया भी हुआ है कि फसल क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भागीदारी रहा। तो देखिए, फसल क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी रहा 26,98,261 रुपए। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो छत्तीसगढ़ के कुल GSDP का 9.89% भागीदारी इस फसल क्षेत्र का है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आपका 6.53% की वृद्धि दर्ज की गई है। हमारे प्रदेश में कृषक परिवारों की संख्या, देखिए यहां किसानों की संख्या नहीं बोल रहा है, इसमें कृषक परिवारों की संख्या, किसानों के परिवारों की संख्या बोल रहा है, यानी कि इसमें परिवार काउंट हो रहा है, किसान काउंट नहीं हो रहा। कृषक परिवारों की संख्या हमारे प्रदेश में है 40.10 लाख, ये कृषक परिवार है। पिछले साल भी आंकड़ा सेम था, इस साल भी वही आंकड़ा दोहराया गया। इसमें 82% लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हमारे प्रदेश में 82% लघु एवं सीमांत कृषक है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जैविक खेती योजना। अभी जैविक खेती योजना क्या होता है, जैविक खेती योजना अगर साधारण शब्दों में बताऊं तो रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करके जैविक उर्वरकों, जैविक खादों, जैविक कीटनाशकों को बढ़ावा देना। ठीक, यहां पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, जैविक खेती कृषि की वह पद्धति है जो कि संश्लेषित या रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अप्रयोग यानी कि पूरी तरीके से प्रयोग समाप्त कर देना या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है, जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए जैव उर्वरकों, कीटनाशकों, फल एवं सब्जी बाजार यानी कि जो फल के अपशिष्ट बच जाते हैं, सब्जियों के अपशिष्ट बच जाते हैं, उस पर उससे जो है जो खाद बनाए जाते हैं, उन खाद जैसे आपके ऑर्गेनिक निविष्टों को उपलब्ध करा के मृदा के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण सुरक्षा बनाए रखने हेतु बनाए रखते हुए कृषि उत्पादकता बढ़ाने की योजना है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश में जैविक खेती मिशन, राज्य पोषित जैविक खेती मिशन 2014 में, जबकि केंद्र परिवर्तित यानी कि केंद्र सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना 2016 से संचालित है। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से 2 साल पहले ही जैविक खेती मिशन की शुरुआत कर दी गई थी। कब? 2014 में, यहां लिखा हुआ राज्य पोषित, जबकि केंद्र पोषित कब शुरू किया गया? 2016 में। प्रदेश सरकार दावा करती है कि हमारे प्रदेश में जो 5 जिले हैं ये पूर्ण रूप से जैविक जिले हैं, यानी कि इन 5 जिलों में आपके जैविक खाद, जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। यहां पर रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, दस्तावेजों के आधार पर, दावा के आधार पर। ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है अब सब जानते हैं।
हमारे प्रदेश में प्रश्न पूछा जाएगा, हमारे प्रदेश में जैविक जिले कितने हैं, पूर्ण रूप से जैविक जिलों की संख्या कितनी है, तो वो है 5। कौन कौन सा? सुकमा जिला, बीजापुर जिला, दंतेवाड़ा जिला, नारायणपुर जिला और आपका गरियाबंद जिला। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, गरियाबंद। प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला पूर्ण जैविक जिला नहीं है, उसमें से तीन ऑप्शन इसमें से देगा, एक आधी ऑप्शन कोई दूसरा बदल देगा, गरियाबंद की जगह महासमुंद कर देगा। ठीक, पूर्ण जैविक विकास खंड, हमारे प्रदेश में 22 जिले के एक एक विकास खंडों में कार्यक्रम संचालित है। ठीक है, 22 जिलों के एक एक विकास खंडों में ये पूर्ण जैविक विकास खंड वाला जो मिशन है ये संचालित है। इस जैविक खेती क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की स्थिति में टोटल 16,000 एकड़ क्षेत्र आ रहे हैं, 16,000 एकड़ क्षेत्र, जिसमें से जैविक खेती मिशन के अंतर्गत 15,000 और परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1,000 आपके एकड़ क्षेत्र आ रहे हैं। यानी कि वही आपका राज्य पोषित और केंद्र परिवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना। तो जैविक खेती मिशन राज्य पोषित के अंतर्गत 15,000 एकड़, जबकि परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1,000 एकड़। तो इस प्रकार से हमारे प्रदेश में जैविक खेती के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की स्थिति में 16,000 एकड़ खेत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जैविक फसल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बहुत समय से इसे पढ़ा भी रहा हूं लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आता। यहां पर कुछ आपके जैविक ब्रांड के नाम दिए गए हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये जनरली मेंस आंसर राइटिंग में काम आता है, जब कृषि से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है लिखने के लिए तब वहां पर आप ऐसे बॉक्स बनाकर कुछ जैविक ब्रांड के नाम लिख देंगे तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। जैविक फसलें देखिए, यहां पर जो है धान की सुगंधित किस्में, जैसे कि बासमती, बादशाह भोग, दुबराज, पूसा सुगंध, जवा फूल, मोतीचूर, जीरा फूल, तुलसी मंजरी, काली कमोद, लोकटी मांछी, काली गिलास, तिल कस्तूरी, ये जो है आपके धान की सुगंधित किस्में है जैविक फसलों के अंतर्गत। वैसे ही मक्का, कोदो, कुटकी, दलहन, तिलहन फसलों के अंतर्गत भी जैविक खेती या जैविक फसलें ली जाती है, लेकिन आप स्पेशली याद रखेंगे धान की सुगंधित फसलों को जैविक फसलों के अंतर्गत। ठीक है, इनके नाम को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार। कृषि की उन्नत पद्धति को का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक कृषि उपजों को लेने के आधार पर कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो है आपके नवीनतम कृषि तकनीकों के प्रयोग के आधार पर सर्वाधिक कृषि उपजों के उत्पादन के आधार पर जो है ये राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हमारे प्रदेश को अब तक हमारे प्रदेश को पांच बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। लास्ट कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था 2020-21 में। देखिए, कृषि कर्मण पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदान किया गया, लेकिन ये जो पुरस्कार था ये वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी 2 के अंतर्गत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रदान किया गया। कृषि कर्मण पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार को मिला, लेकिन यह वित्तीय वर्ष 2016-17 की उपलब्धि के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था श्रेणी 2 के अंतर्गत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला, 5 करोड़ रुपए की राशि मिली। अगर आप देखिए राज्य शासन को जो है 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें से सर्वाधिक आपके धान के उत्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 10-11, 12-13, 13-14। प्रश्न पूछेगा कि राज्य शासन को धान के उत्पादन हेतु किस वित्तीय वर्ष में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। तीन ऑप्शन दे देगा, 10-11, 12-13, 13-14 और एक आदि कोई नया ऑप्शन दे देगा, या आपका 14-15 दे देगा। तो ध्यान दीजिएगा, 10-11, 12-13, 13-14, इसमें प्रदेश सरकार को धान के उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, दलहन के उत्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 14-15 में और खाद्यान्न के उत्पादन के लिए 2016-17 में हमारे प्रदेश सरकार को जो है कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला, यानी कि मट्टी का प्रशिक्षण करके, मट्टी का टेस्ट करके उसकी उर्वरा क्षमता, उसमें जीवाश्म की मात्रा, उसकी उर्वरा की मात्रा, इसका निर्धारण करना। हमारे प्रदेश में देखिए कुल 11 मंडियों में क्रमशः बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग,
बिलासपुर शक्ति जो कि जांजगीर चांपा से पृथक होकर के बना है, और रामानुजगंज, ठीक, ये जो है यहाँ पर आपके बलरामपुर के रामानुजगंज में मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला का संचालन है। इससे भी क्वेश्चन नहीं आया है। प्रश्न पूछ सकता है कि हमारे प्रदेश में जो है कुल कितनी मंडियों में मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला संचालित है, तो 11 मंडियों में और 111 मिनी मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला हमारे प्रदेश में स्थापित है। नेक्स्ट है आदर्श मंडी। आदर्श मंडी का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसी मंडी जहां पर आने के लिए मार्ग हो, जाने के लिए सुरक्षित मार्ग हो, चबूतरा साफ सुथरा हो, चबूतरे के ऊपर शेड हो, साफ सफाई के लिए कूड़ेदान बना हो, पेयजल की वहां पर प्रॉपर सप्लाई हो, जल निकासी के लिए वहां पर नाली बनी हो, उसे कहा जाता है आपका आदर्श मंडी। हमारे प्रदेश में कुल 5 आदर्श मंडियों की स्थापना की गई है। कौन कौन से है? धमतरी, कवर्धा, कुरुद, मुंगेली और राजनांदगांव, ये हमारे प्रदेश के कुल 5 आदर्श मंडी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण, या इसे किसान उपभोक्ता बाजार भी कहा जाता है। किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता बाजार, इसका उद्देश्य क्या है? बिचौलिया तंत्र को समाप्त कर कृषक अपने कृषि उपज को सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय कर सके, इसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया किसान उपभोक्ता बाजार का। देखिए, जनरली क्या होता है कि जो बीच में जो बिचौलिए होते हैं, जो दलाल होते हैं, ये कृषकों से कम कीमत पर कृषि उपज खरीद करके बड़े बड़े व्यापारियों को ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं और बीच में खाते हैं कमीशन, मोटा मुनाफा कमाते हैं। उसके लिए लाया गया आपका किसान उपभोक्ता बाजार। एक उपभोक्ता बाजार बनाया गया जहां पर सभी किसान ला करके अपने कृषि उपज को वहां लाएंगे और व्यापारी भी वहां पर पहुंच करके उनके कृषि उपज पर बोलियां लगाएंगे। ये है आपका कृषि उपभोक्ता बाजार का कॉन्सेप्ट। ठीक, हमारे प्रदेश में टोटल 9 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता बाजार जो है ये अधिसूचित है। हमारे प्रदेश में धमतरी मंडी में 2017 से, 2020 में राजनांदगांव मंडी से, मार्च 2020 में बेमेतरा मंडी से यहाँ पर क्रय विक्रय प्रारंभ हो चुका है, यानी कि ये किसान उपभोक्ता बाजार प्रारंभ हो चुके हैं। प्रश्न पूछा जाएगा, हमारे प्रदेश का पहला किसान उपभोक्ता बाजार कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर है? धमतरी में, 2017 से प्रारंभ है, जबकि लोकार्पण हुआ है आपके रायपुर के नया एवं पुराना मंडी में, अभी लोकार्पण हुआ है, ये शुरू नहीं हुआ है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है आपके बिलासपुर, बरमकेला, चिखली, रायगढ़ में जो है अभी प्रक्रिया अभी जो है कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, और कार्यवाही आपका प्रगतिरत है कहाँ? बैकुंठपुर में, यानी कि ये अभी प्रस्तावित है, ये बन करके तैयार नहीं हुए हैं। 3 जगह खरीदी बिक्री प्रारंभ हो गई है, धमतरी, राजनांदगांव और आपका बेमेतरा। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण के अंतर्गत क्रय विक्रय प्रारंभ नहीं हुआ है? धमतरी, राजनांदगांव, बेमेतरा और आपका इधर दे देगा बरमकेला, ऐसे दे देगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे प्रदेश का पहला किसान उपभोक्ता बाजार किस मंडी में संचालित है? तो धमतरी में संचालित है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है किसान शॉपिंग मॉल। किसान शॉपिंग मॉल ये क्या है? कृषि संबंधित विभिन्न चीज़ों की दुकानें, जैसे कि कृषि संबंधित क्या क्या उपयोग की वस्तु है, पहली तो किसान के लिए उपयोग में आएगा बीज के अलावा खाद, कीटनाशक दवा, कृषि उपकरण समेत किसानी काम की सभी अन्य वस्तुओं को एक ही छत के नीचे लाना, जैसे कि आपका मॉल जो होता है, जो शॉपिंग मॉल होता है, वहाँ पर हर प्रकार के दैनिक दिनचर्या के वहाँ पर वस्तु उपलब्ध होते हैं, वैसे ही बनाया गया है आपका किसान मॉल। किसान मॉल जहाँ पर कृषि कार्य से संबंधित सभी प्रकार की वस्तुएँ एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश का पहला किसान मॉल राजनांदगांव जिले में आपका बना हुआ है, इसका निर्माण 2010 में किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किसान बाजार। अभी राष्ट्रीय किसान बाजार क्या है इसे समझिए। राष्ट्रीय किसान बाजार कुछ और नहीं, अभी जो हमने पढ़ा किसान उपभोक्ता बाजार, यही है किसान उपभोक्ता बाजार, जो कि हमारे राज्य सरकार का कॉन्सेप्ट है। वहीं पर ये जो आपका राष्ट्रीय किसान बाजार है, ये केंद्र सरकार का कॉन्सेप्ट है, केंद्र सरकार की अवधारणा है। एक साल का प्रश्न बना था कि ई नाम का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ई नाम का जो संबंध है, इसमें जो ए है, ए का मतलब होता है एग्रीकल्चर, ई नाम का जो संबंध है ये कृषि क्षेत्र से है। ठीक है, कृषि क्षेत्र से है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए, सेम कॉन्सेप्ट में है आपका किसान उपभोक्ता बाजार के समान। किसान उपभोक्ता बाजार का बस ये एक प्रकार से डिजिटलीकृत स्वरूप है, यानी कि उसे डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम एक राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, यानी कि वही डिजिटल स्वरूप।
इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर आधारित बाजार है जिसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न बाजारों में स्थित कृषि उपज मंडियों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ करके एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार बनाना। जैसे कि मैंने बताया कि बिचौलिए तंत्र को समाप्त करके किसानों को उनकी कृषि उपज का सही कीमत देना, ये जो है आपके किसान उपभोक्ता बाजार और राष्ट्रीय कृषि बाजार का मुख्य उद्देश्य है। ये क्या है, उस किसान उपभोक्ता बाजार का डिजिटल स्वरूप है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। इसमें क्या किया जाता है कि जो आपके जो मंडी इस राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत जो लिस्ट होगी, उन मंडियों में आपके बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड लगे होंगे। उन डिजिटल बोर्ड में, जैसे कि मान लीजिए हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये धान की पैदावार के लिए काफ़ी फेमस है, सर्वाधिक धान की पैदावार होती है। अब छत्तीसगढ़ में धान की कीमत अन्य स्टेट अन्य राज्यों की तुलना में कम होगा। अब अगर गुजरात में बैठे किसी व्यापारी को छत्तीसगढ़ में धान की कीमत क्या चल रही है पता करना है, तो वो जाएगा राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम पोर्टल में जाकर के यहां के अलग अलग मंडियों में किसानों के पास उपलब्ध धान की कीमतों को चेक कर सकता है, और जिसका कीमत उसे वाजिब लगेगा तो वो उस कीमत पर उस किसान से धान खरीद सकता है। यानी कि गुजरात में बैठा व्यापारी छत्तीसगढ़ के किसान से डायरेक्ट धान की सप्लाई ले रहा है, किसके कारण, इस राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम पोर्टल के कारण। ठीक, देखिए इसका उद्देश्य कृषि उपजों की खरीदी बिक्री कृषक और व्यापारियों के मध्य बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना है। ठीक है, कम करना है। लक्ष्य, देश के 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ना इसका लक्ष्य है। हमारे प्रदेश के 14 कृषि उपज मंडियों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, 3 चरण में हमारे प्रदेश में जो है टोटल 14 कृषि उपज मंडियों को चिन्हांकित किया गया था, और 3 चरण में उन सभी 14 के 14 कृषि उपज मंडियों को जोड़ दिया गया। पहले चरण में आपका राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद, नवापारा, दूसरे चरण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, और तीसरे चरण में राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़ को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में किसानों की संख्या, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में किसानों की संख्या कितनी है, वो है आपका 40.10 लाख, 40.10 लाख। जबकि ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा है आपका भू अभिलेख वर्ष 2019 के आधार पर। भू अभिलेख वर्ष 2019 के आधार पर थोड़ा सा पुराना आंकड़ा है, लेकिन ये आज भी इस आंकड़े को लिया जाता है। हमारे प्रदेश में जो है किसानों की कुल संख्या है 37.46 लाख भू अभिलेख वर्ष 2019 के आधार पर, जिसमें सीमांत कृषकों की संख्या है 21.93 लाख किसान, लघु किसानों की संख्या है 8.31 लाख किसान यानी कि 8.31 लाख, और दीर्घ किसानों की संख्या है आपका 7.32 लाख। ये जो है कृषि क्षेत्र जोत के आधार पर जो है सीमांत कृषक, लघु कृषक और दीर्घ कृषक जो है इन्हें क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फसलों का रकबा एवं उत्पादन वित्तीय वर्ष 2021-22। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि हम आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आंकड़े 21-22 के क्यों, क्योंकि एक साल पहले का ही आंकड़ा दिया जाता है इस फसल क्षेत्र से रिलेटेड। देखिए, रकबा का मतलब होता है कि उस फसल का कितना क्षेत्र में उत्पादन लिया गया, यानी कि कितने क्षेत्र में उस फसल को उगाया गया। और उत्पादन का मतलब होता है कि जो आपका उस फसल को जो उगाया गया है उससे कितना उत्पादन हुआ। जैसे कि एक एकड़ खेत में कितने एकड़ खेत में फसल का रकबा लिया गया, कितने एकड़ खेत में फसलों को उगाया गया, ये रकबा है। और जो उगाया गया फसल है उससे कितना हमें मिला, ये है आपका उत्पादन। ठीक है, शायद आज या कल में ही YouTube में किसी एक ने कमेंट करके पूछा था कि रकबा का मतलब क्या होता है। तो रकबा का मतलब होता है कितना फसल लिया गया, कितने क्षेत्र में फसल लिया गया, और उत्पादन का मतलब होता है कि उससे हमें कितना फसल मिला। अब देखिए, प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में, अगर आप ध्यान देंगे हमारे प्रदेश में जो मुख्य फसल है उसमें सर्वाधिक एरिया में धान के फसल को उगाया जाता है। साधारण शब्द में बता रहा हूं, सर्वाधिक एरिया में धान के फसल को उगाया जाता है, उसके बाद चना का रकबा सर्वाधिक है, उसके बाद लाख या तिवड़ा का रकबा सर्वाधिक है, उसके बाद गेहूं, और फिर उसके बाद है आपका मक्का। टॉप 5 के नाम आपको याद होने चाहिए। हमारे प्रदेश में सर्वाधिक रकबा किसका है पूछा जाए तो वो है आपके धान की फसल का। सर्वाधिक यहां पर धान का फसल लिया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्र में धान का फसल उगाया जाता है। सेकंड नंबर पर है चना, उसके बाद है लाख, फिर है आपका गेहूं, फिर है आपका मक्का। ठीक, सर्वाधिक अंतर्गत क्षेत्र यानी कि किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आते हैं,
सर्वाधिक क्षेत्र में किस फसल को लिया गया, यानी किस फसल का रकबा सर्वाधिक है। अगर अनाज की बात करें तो अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक रकबा है धान का। दलहन फसलें जैसे कि जिससे दाल मिलता है, अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, आपका तिवड़ा, ये सभी के सभी दलहन फसल है, तो उसमें सर्वाधिक रकबा है आपके चना का, ये क्लासिफाई किया गया है। आगे तिलहन फसल जिससे तेल मिलता है, तिल, रामतिल, मूंगफली, सरसों, इन सब से क्या मिलता है, तेल मिलता है, तो इसमें सर्वाधिक रकबा रहा राई सरसों का। ये थोड़ा सा नया है ना, ये रिपीट होते हैं धान और चना, लेकिन इस बार राई सरसों का रकबा जो है ये सर्वाधिक रहा हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में तिलहन फसलों में। ठीक, अब देखिए जैसे कि हमने ये टॉप फाइव का यहाँ पे लिस्ट देखा, तो देख लीजिए धान का रकबा रहा 43-48 हज़ार हेक्टेयर में, चना का रकबा रहा 333 हज़ार हेक्टेयर में, लाख का रकबा रहा 173 हज़ार हेक्टेयर में, गेहूं का रकबा रहा 160 हज़ार हेक्टेयर में, मक्का का रकबा रहा 132 हज़ार हेक्टेयर में। तो यह है रकबा, यानी कि कितने क्षेत्र में उस कृषि उपज की फसल ली गई है। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रमुख फसलों का उत्पादन, यानी कि उन फसलों का उत्पादन क्या रहा वित्तीय वर्ष 2021-22 में। हमारे प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन रहा धान, हमारे प्रदेश को धान का ही कटोरा कहते हैं। उसके बाद उत्पादन रहा मक्का, फिर रहा चना, फिर रहा गेहूं और सबसे लास्ट में लाख। देखिए अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए सर्वाधिक धान का है, उसके बाद सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ, मक्का का, लेकिन मक्का की जो रकबा है ये कम लिया गया था, लेकिन उत्पादन क्या रहा सेकेंड नंबर पर। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो धान का रकबा, धान का जो आपका रकबा है ये रहा, सॉरी धान का जो उत्पादन है ये उत्पादन रहा आपका 13,238 हज़ार मैट्रिक टन में, उत्पादन हजार मैट्रिक टन में है। मक्का का रहा 431 हज़ार टन, चना का रहा आपका 260 हज़ार मैट्रिक टन, गेहूं का रहा 203 हज़ार मैट्रिक टन और लाख या तिवड़ा का रहा 104 हज़ार मैट्रिक टन। तो ये शुरू के दो को ना, दो तीन को याद रखना कम से कम। ठीक, अगर हम सर्वाधिक उत्पादन के मामले में देखें, अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक उत्पादन रहा धान की फसल का, तिलहन फसलों में देखें तो सर्वाधिक उत्पादन रहा आपके चना की फसल का, दलहन में देखें तो सर्वाधिक उत्पादन रहा चना की फसल का, और तिलहन में देखें तो मूंगफली का। ठीक है, ये भी काफ़ी समय से सोयाबीन था, सोयाबीन चेंज होकर के अब क्या हो गया, मूंगफली हो गया है। ठीक, इसे याद रखना। अगर हम बुआई के आधार पर बात करें, बुआई के आधार पर यानी कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के आधार पर बात करें, तो जैसे कि आपकी खरीफ की फसल जो कि जून जुलाई में ली जाती है और लास्ट में आपके अक्टूबर नवंबर के आसपास उसे काट लिया जाता है, तो बुआई के आधार पर है आपका खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। अब इंटरनेट में सर्च कीजिएगा कि खरीफ के फसलों के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, रबी के फसलों के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, उसके लिस्ट को लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि उपज रबी का फसल नहीं है या खरीफ का फसल नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, देखिए बुआई के आधार पर अगर हम बात करें, खरीफ फसल जिसमें सर्वाधिक रकबा यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र में धान की फसल ली गई और सर्वाधिक क्षेत्र में धान का ही उत्पादन रहा, यानी कि खरीफ फसल में सर्वाधिक आपका धान और रबी की फसल, चना जो है रबी की फसल है, चना आपका सर्वाधिक रकबा भी रहा और सर्वाधिक इसका उत्पादन भी हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कृषि फसलों का शुद्ध और कुल बोया गया क्षेत्र। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है और कुल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, इसे समझना। जैसे कि मान लीजिए ये एक कृषि भूमि है, एक कृषि भूमि है, इस कृषि भूमि का जो आपका क्षेत्रफल है वो समझ लीजिए ये है आपका एक हेक्टेयर, एक हेक्टेयर इसका क्षेत्र है। ठीक, वैसे ही एक और कृषि भूमि है, इसका भी क्षेत्रफल है आपका एक हेक्टेयर, एक हेक्टेयर। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब समझना, जैसे कि मान लीजिए एक किसान जिसकी एक कृषि भूमि है उसने अपने इस खेत में कृषि उपज लिया, एक बार लिया, एक कृषि वर्ष में, एक साल में उसने केवल अपने खेत में एक ही फसल लिया, जबकि दूसरा जो किसान है इसने अपने खेत में एक बार खरीफ की भी फसल ले लिया, एक बार जो है इसने रबी की भी फसल ले लिया। एक साल के अंदर इस किसान ने केवल एक ही बार फसल लिया और इस किसान ने दो बार फसल लिया अपने खेत में, तो इसका कुल एरिया कितना हो जाएगा, दो हेक्टेयर।
2 हेक्टेयर, क्योंकि कृषि भूमि तो उतनी है लेकिन उसने एक कृषि वर्ष में 2 बार इस कृषि भूमि पर फसल लिया तो ये 2 हेक्टेयर काउंट होगा। इसने 1 बार कृषि उपज लिया तो ये 1 हेक्टेयर काउंट होगा। 1 बार लिया गया तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और 1 से अधिक बार लिया गया, 1 बार ले, 2 बार ले, कई बार खरीफ की फसल भी ले लेते हैं, कई बार आपके रबी की फसल भी ले लेते हैं, कुछ लोगों के पास सिंचाई संसाधन मौजूद होते तो नकदी फसलों को भी वो ले लेते हैं। तो उस आधार पर 1 से अधिक बार जो लिया गया वो कहलाएगा आपका कुल बोया गया क्षेत्र। ठीक, समझ में आया। देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के आधार पर प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है ये है 140.90 लाख। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर हम एक्चुअल तौर पर बात करें तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल हेक्टेयर के आधार पर है 137 पॉइंट समथिंग को जो है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है। लेकिन इस जगह पे छत्तीसगढ़ के शुद्ध और कुल बोया गया क्षेत्र में इकोनॉमिक सर्वे में यही डाटा दिया है और ओरिजिनल डाटा से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविक तौर पर बात करें तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल हेक्टेयर में 137-138 लाख हेक्टेयर के आसपास कुछ है, लेकिन यहाँ पर 140.90 लाख हेक्टेयर बताया गया है। देखिए, शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि 1 बार बोया गया क्षेत्र वो है हमारे छत्तीसगढ़ में 46.30 लाख हेक्टेयर, जबकि 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, एक खेत में 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र ये कहलाएगा, देखिए ये है आपका 10.73 लाख हेक्टेयर। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कुल बोया गया क्षेत्र 57.03 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 57.03 लाख हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि एक कृषि भूमि में एक ही बार उपज लिया गया, यह है आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46.30 लाख। 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल यह है 10.73 लाख हेक्टेयर। दोनों को ऐड कर देंगे तब आएगा आपका कुल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्लस द्विफसली या त्रिफसली जिसने लिया उसका बोया गया क्षेत्र, तब कुल मिलाकर के आएगा आपका कुल बोया गया क्षेत्र। ठीक, अगर हम बात करें जिलेवार शुद्ध या कुल बोया गया क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक ये 28 जिलों के आधार पर है, जो नवगठित 5 जिले उन्हें नहीं लिया गया है, 28 जिलों के आधार पर अगर हम बात करें तो सर्वाधिक है आपका राजनांदगांव का, और सबसे कम है आपका नारायणपुर का। सबसे कम नारायणपुर का क्यों है, क्योंकि वो दुर्गम क्षेत्र है, अबूझमाड़ का जंगल है तो वहाँ पे कम होगा। और उसके विपरीत आपका जो राजनांदगांव है, राजनांदगांव में ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि अगर विभाजन अगर उसको नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 28 जिलों के आधार पर मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी भी उसके अंतर्गत आ रहा है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई भी उसके अंतर्गत आ रहा है। तो जब इस राजनांदगांव जिले का विभाजन नहीं हुआ था, जब हमारे प्रदेश में 28 जिले थे, तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा आपका जिला कौन सा था, राजनांदगांव। तो यहीं का जो है आपका शुद्ध और कुल बोया गया क्षेत्र कृषि भूमि इसी के पास सर्वाधिक होगी। ठीक है, देखिए, 1 से अधिक बार द्विफसली बोया गया क्षेत्र में सर्वाधिक राजनांदगांव और सबसे कम बीजापुर है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी द्विफसली की बात हो रही है, यानी कि इसकी जो बात हो रही है ये वाले की, 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र में द्विफसली बोया गया क्षेत्र में सर्वाधिक आपका राजनांदगांव है और सबसे कम आपका बीजापुर है, जबकि शुद्ध में, थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए इसमें और इसमें सर्वाधिक राजनांदगांव, न्यूनतम नारायणपुर, और ये वाले में सर्वाधिक राजनांदगांव और सबसे कम बीजापुर। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उद्यानिकी फसलों का रकबा। उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत आपका सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित पौधे आते हैं। अभी हाल ही में हुए एग्जाम में पूछा गया था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमारे प्रदेश में किस उद्यान की फसल का उत्पादन सर्वाधिक रहा, उसमें सब्जी, फल, मसाला, पुष्प दिया गया था। अभी का करंट में अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया था, शायद सहायक प्रबंधक वाले एग्ज़ाम में आया होगा, जिसका आंसर लिया गया था सब्जी। हमारे प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में सब्जी का रकबा रहता है, सब्जी, सब्जी के बाद फल, फल के बाद मसाला, मसाला के बाद पुष्प, उसके बाद औषधि एवं सुगंधित फसल का रकबा रहता है। जबकि उत्पादन देखें तो सर्वाधिक उत्पादन सब्जी का, उसके बाद फल का, फल के बाद मसाला, मसाला के बाद पुष्प, और उसके बाद आपका औषधि एवं सुगंधित फसल का। दोनों का सीक्वेंस सेम है। एक बार तो अरेंजमेंट में आया था कि उद्यानिकी फसलों को रकबे के आधार पर सर्वाधिक से न्यूनतम में दर्शाइए, ठीक है, कौन सा आपका विकल्प सही है करके, तो इसको थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखना। फल सब्जी मंडी हमारे प्रदेश में जो है, टोटल 6 फल सब्जी मंडी है। कौन कौन, कहाँ कहाँ पर है, आपका रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, आपका रायगढ़ में, राजनांदगांव और पखांजूर में। लोकार्पण हुआ है धमधा, पत्थलगांव और गंडई में, यानी कि ये प्रस्तावित है। ठीक, प्रश्न पूछा जाएगा हमारे प्रदेश में कुल कितनी फल सब्जी मंडियाँ मौजूद है, तो टोटल 6 फल सब्जी मंडियाँ मौजूद है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है आपका जल संसाधन। ठीक है,
हमारे प्रदेश में जल संसाधन। अगर केंद्रीय भू जल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो एक है आपका सतही जल और दूसरा होता है भूगर्भिक जल। सतही जल का मतलब जो कि जमीन के ऊपर मौजूद है, जमीन के ऊपर यानी कि नदियाँ, जलाशय, तालाब, ये सभी के सभी क्या है, सतह के ऊपर मौजूद जल है। और सतह के नीचे वाला जो जल है उसे कहा जाता है भूगर्भिक जल, जो आप घरों में बोर करवा के, बोरवेल करवा करके जो जमीन के अंदर का पानी निकालते हैं वो कहलाता है जमीन के नीचे का पानी यानी कि भूगर्भिक जल। हमारे प्रदेश में सतही जल की मात्रा है आपका 48,296 मीट्रिक घन मीटर, ठीक है, मिलियन घन मीटर। हमारे प्रदेश में सतही जल की मात्रा है 48,296 मिलियन घन मीटर, जबकि इस इतनी तो सतही जल की मात्रा है जिसमें से 41,270 मिलियन घन मीटर का ही उपयोग हम कर पाते हैं। 48,296 सतही जल की मात्रा है जिसमें से केवल 41,270 मिलियन घन मीटर हम उपयोग में लाते हैं। भूगर्भिक जल की मात्रा है हमारे प्रदेश में 11,630 मिलियन घन मीटर, जिसका 44% ही उपयोगी है, 44% ही हम उपयोग में ला रहे हैं। अगर भूजल सुरक्षित श्रेणी की बात करें, हमारे प्रदेश के कितने विकासखंड, 146 में से कितने विकासखंड ऐसे हैं जहां पर भूजल श्रेणी में वो सुरक्षित है, तो 122 विकासखंड ऐसे हैं भूजल यानी कि भूमिगत जल, भूजल श्रेणी में हमारे प्रदेश के 122 विकासखंड की स्थिति सही है, जबकि 22 विकासखंड की स्थिति क्या है, संकटग्रस्त, आंशिक, थोड़ी बहुत आंशिक रूप से यानी कि थोड़ी बहुत संकटपूर्ण श्रेणी में है, और पूर्णतः संकटपूर्ण श्रेणी में हमारे प्रदेश के 2 विकासखंड हैं। ठीक, इसे भी याद रखना, मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंचाई संसाधन। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था अभी, वो शुद्ध और कुल बोया गया क्षेत्र में कितना बताया था, 140 लाख हेक्टेयर बताया था ना, एक्चुअली में इतना है। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है 137.90 लाख हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ की कुल, यहाँ पे समझना, कुल सृजित सिंचाई क्षमता मार्च 2022 तक की स्थिति में है आपका 21.47 लाख हेक्टेयर। अब कुल सृजित का मतलब होता है बनाना, यानी कि जो आपकी एक नदी प्रवाहित होती है उस नदी के मार्ग में जो हम डैम बनाते हैं ये मानव निर्मित है, हमने बनाया है। गड्ढा खोद करके जो हम तालाब बनाते हैं ये मानव निर्मित है, हमने बनाया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सृजित, यानी कि हमारे द्वारा बनाया गया। प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता मार्च 2022 तक की स्थिति में है 21.47 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 21.47 लाख हेक्टेयर, यानी कि हमारे पास हमारे द्वारा बनाया गया संसाधन जो है उससे हम 21.47 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर सकते हैं। ठीक, राज्य निर्माण के पश्चात अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है, यानी कि जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था तब से लेकर के अभी मार्च 2022 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में 8.19 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। ठीक है, प्रदेश की कुल सिंचाई प्रतिशत की अगर हम बात करें तो प्रदेश का कुल सिंचाई प्रतिशत है 38.75%। ये हमारे प्रदेश का कुल सिंचाई प्रतिशत है, यानी कि इसकी बात हो रही है। हमारे पास इतने संसाधन है लेकिन उसमें से हम केवल 38.75% एरिया ही सिंचित कर पा रहे हैं। समस्त सिंचाई स्रोतों के माध्यम से, समस्त सिंचाई स्रोतों के माध्यम से यानी कि इसमें वर्षा का पानी भी आएगा। देखिए, सिंचाई में जो है वर्षा का पानी भी होता है, लेकिन सृजित में हम उन संसाधनों की बात कर रहे हैं जो कि मानव निर्मित है, जैसे कि जलाशय, डैम, एनीकट, बैराज, आपका जो एनीकट बैराज और आपका जो नहरें बनाई जाती है, ये सभी के सभी आपके सृजित तालाब बनाए जाते हैं, वो सृजित सिंचाई क्षमता है। अब यहाँ बात हो रही है समस्त सिंचाई संसाधनों के माध्यम से, समस्त सिंचाई संसाधनों के माध्यम से, जैसे कि आपका जो नदी के किनारे बसे हुए खेत है, जो वर्षा के ऊपर आधारित, जो सिंचाई के ऊपर निर्भर करते हैं, जो भूगर्भिक जल के ऊपर निर्भर करते हैं, ये सभी के सभी समस्त सिंचाई स्रोतों के माध्यम से बात की जा रही है। तो उसमें जो है आपके प्रदेश की सिंचाई क्षमता कितनी है, वो है 36%। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निर्मित एवं निर्माणाधीन सिंचाई योजना। हमारे प्रदेश में निर्मित सिंचाई योजनाओं की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, 2-3 बार रिपीट भी हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आधार पर हमारे प्रदेश में 8 वृहद, 38 मध्यम, 24 77 लघु सिंचाई योजनाएं और 30 नलकूप योजना 806 एनीकट निर्मित है, जबकि निर्माणाधीन है आपका 4 वृहद, 0 मध्यम, ठीक है, ये 0 है, 0 मध्यम, 340 लघु सिंचाई योजनाएं, 1 नलकूप योजना और 199 एनीकट
आपका निर्माणाधीन है। ये वाला जो आंकड़ा है ना, ये एग्जाम में रिपीट हुआ है दो बार। समस्त सिंचाई संसाधनों के अनुसार सिंचित क्षेत्र जून 2022 तक की स्थिति में, ठीक है। यहां पर आप पढ़ेंगे शुद्ध सिंचित और कुल सिंचित, उसका मतलब वही है। जैसे कि अभी हमने देखा था, ये जो आपका खेत है जिसका क्षेत्रफल है मान लीजिए 1 हेक्टेयर, वहीं पे दूसरा किसान है उसका भी, आपका जो खेत है उसका भी क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर, इसने अपने खेत में एक फसल लिया, इसने अपने खेत में 2 फसल लिया, इसने अपने खेत में एक बार फसल लिया तो इसका सिंचित क्षेत्रफल कितना होगा 1 हेक्टेयर, इसने 2 बार फसल लिया तो इसका सिंचित क्षेत्रफल कितना होगा 2 हेक्टेयर, सेम वही बात है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र है हमारे प्रदेश का कितना है 16.043 लाख हेक्टेयर, जबकि कुल सिंचित क्षेत्र है हमारे प्रदेश का 21.436 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई संसाधन कौन सा है पूछा जाए हमारे प्रदेश में, तो वो है आपके नहरें एवं जलाशय। देखिए उपयोग किए जाने वाले सिंचाई संसाधन, अगर हम बात करें हमारे प्रदेश में जो सिंचाई संसाधन मौजूद है वो है नहरें एवं जलाशय, यानी कि जो डैम बनाए जाते हैं और डैम से जो नहरें निकाली जाती है, नलकूप, तालाब और कुएं। हमारे प्रदेश में जो सर्वाधिक डिपेंडेंसी है वो है आपके इस आपके नहर एवं जलाशय के ऊपर, सर्वाधिक हम डिपेंड करते हैं। जिलेवार सिंचित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर दोनों है जांजगीर चांपा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर 2 आंकड़े हैं, सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत किस जिले का है या सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस जिले का है, तो दोनों में आएगा जांजगीर चांपा। सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत किस जिले का है पूछा जाएगा, सॉरी न्यूनतम किसका है पूछा जाएगा, तो वो आएगा आपका क्षेत्रफल के आधार पर नारायणपुर और प्रतिशत के आधार पर दंतेवाड़ा। देखिए प्रतिशत और क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक दोनों में आपका जांजगीर चांपा, प्रतिशत और क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम क्षेत्रफल के आधार पर नारायणपुर और आपका प्रतिशत के आधार पर दंतेवाड़ा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्रदेश की सम्मिलित 3 परियोजना है। प्रश्न कैसे आया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश की कुल कितनी परियोजनाएं सम्मिलित है, तो 3 परियोजनाएं सम्मिलित है, ये क्वेश्चन भी आया है। एक बार का प्रश्न बना था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना शामिल नहीं है, 3 ऑप्शन दिया था, केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी सिंचाई परियोजना, एक दे दिया था हसदेव सिंचाई परियोजना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश की 3 परियोजनाएं संचालित है, केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी सिंचाई परियोजना, ठीक है। इसका हेक्टेयर देख लीजिएगा, आपका कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के आधार पर केलो का कितना है 22,810 हेक्टेयर, खारंग का कितना है 8,300 हेक्टेयर और 11,515 हेक्टेयर है मनियारी सिंचाई परियोजना का, ठीक है। अब नेक्स्ट आंकड़ा है आपका पशुधन एवं मत्स्य विकास, पशुधन एवं मत्स्य विकास। देखिए हमारे प्रदेश में जो है GSDP में, GSDP वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमतों के आधार पर पशुधन की भागीदारी है, पशुधन की भागीदारी है 4,50,632 लाख, ये GSDP में पशुधन की भागीदारी है, जबकि मत्स्य उद्योग की भागीदारी है 5,93,083 लाख, ये आपके मत्स्य उद्योग की भागीदारी है। छत्तीसगढ़ के कुल GSDP में 1.65% भागीदारी पशुधन का है, जबकि 2.17% भागीदारी जो है ये मत्स्य उद्योग का है। अगर हम बात करें प्रदेश में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की, तो रायपुर जिले का सरोरा और कबीरधाम जिले का रामपुर ठाठापुर यहाँ पर बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र है, जबकि सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र की बात करें तो सरगुजा जिले के सकोला, बस्तर जिले के परचनपाल और यहाँ पर जो है आपके सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र मौजूद है, जबकि जशपुर जिले के कुनकुरी में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र प्रस्तावित है। अब 20वीं पशु जनगणना 2019 के आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में गौवंशीय यानी कि गायों पर गायों की वंश गौवंशीय पशुओं की संख्या है 32.99 लाख, भैंस वंशीय पशुओं की संख्या है 36.61 लाख, बकरे एवं बकरियों की संख्या है 40.05 लाख, सूकरों की संख्या है 5.27 लाख, कुटकुट और बतखों की संख्या है 187.12 लाख, यानी कि सर्वाधिक किसकी संख्या है यहाँ पे कुटकुट और बतखों की, उसके बाद सेकंड सर्वाधिक है बकरे एवं बकरियों की, ठीक है। तो इस पशु जनगणना को भी याद रखिएगा। एक बार का प्रश्न बना था कि हमारे प्रदेश में गौवंशी पशुओं की जनसंख्या कितनी है पशु जनसंगणना 2019 के आधार पर, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, इसे भी करिएगा। नेक्स्ट देखिए मछली पालन,
हमारे प्रदेश में अगर हम बात करें कि प्रदेश में कुल जल क्षेत्र कितना है, कुल उपलब्ध जल क्षेत्र कितना है, तो हमारे प्रदेश में 1.99 लाख हेक्टेयर आपका जल क्षेत्र है। इतने जल क्षेत्र में से 1.99 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.961 लाख हेक्टेयर 1.961 लाख हेक्टेयर में हम जो है मछली पालन कर रहे हैं। हमारे पास हमारे छत्तीसगढ़ में 1.999 लाख हेक्टेयर आपका जल क्षेत्र है, जिसमें से हम 1.961 लाख हेक्टेयर में हम मछली पालन कर रहे हैं। यानी कि अगर बात करें तो उपलब्ध आपका जल क्षेत्र में से 98.09% आपके जल क्षेत्र में हम मछली पालन कर रहे हैं। अब यहाँ पर मछली उत्पादन भी दिया हुआ है और मछली बीज उत्पादन भी दिया हुआ है। यहाँ पे दो आंकड़े दिए गए हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के, और ये आंकड़े अधूरे हैं, ये सितंबर 2022-23 तक के आंकड़े हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, इससे उतना क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मछली पालन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है, इसे याद रखना। ठीक, इसमें अगर याद करना चाहेंगे तो मत्स्य उत्पादन, इसको याद रखिएगा, जो कि कंप्लीट ईयर है, मत्स्य उत्पादन 2021-22 के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में मछली का उत्पादन किया गया, यानी कि मछलियों का पालन वो किया गया आपका 5.191 लाख मेट्रिक टन, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2.42% की वृद्धि दर्ज की गई है। और मछली बीज उत्पादन यानी कि मछलियों के अंडे, मछली बीज उत्पादन की हुआ आपका 30,257 लाख स्टैंडर्ड फ्राई, ये आपके मछली बीज का उत्पादन रहा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कृषि संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं, ये सब मेन आंसर राइटिंग का पोर्शन है, फटाफट इसे भी देख लेते थे। देखिए, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, सूक्ष्म सिंचाई जो योजना है ये स्प्रिंकलिंग यानी कि ड्रिप एवं टपक सिंचाई पर आधारित है। प्रत्येक बूंद का अधिक से अधिक उपयोग, अगर आप कभी भी खेत के किनारे से सफ़र करते होंगे तो वहाँ पर जो है ऐसे लंबे लंबे वहाँ पर आपके पतले पतले पाइप रहते हैं, खड़े खेतों के बीचों बीच खड़े रहते हैं, जो कि अपने चारों ओर फव्वारा फेंकते हैं, पानी का फव्वारा फेंकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी की एक एक बूंद है ना, वो जमीन में धीरे धीरे बूंदों के रूप में जा रहा है, फव्वारा के रूप में जा रहा है, तो हर एक बूंद पानी जो आपका पानी है वो मिट्टी में अवशोषित होता है। तो वही है आपका स्प्रिंकलर यानी कि खेतों में जो आपके लंबे लंबे पाइप जो गड़े होते हैं, जो कि घूम घूम करके तेजी से फव्वारा के रूप में आपका पानी को फेंकते हैं खेतों में, वो कहलाता है आपके स्प्रिंकलर। इसमें प्रत्येक बूंद का अधिक से अधिक फसल के लिए उपयोग होता है। कम पानी, इसका उद्देश्य क्या है, कम पानी का उपयोग करके अधिक क्षेत्र सिंचित करना। हमारे प्रदेश में इस सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत कुल 132 योजनाएं हैं, कुल 132 योजनाएं प्रस्तावित है, जिसमें से 79 सूक्ष्म सिंचाई और 53 जो है ये सोलर सूक्ष्म सिंचाई के लिए जो है प्रस्तावित है वित्तीय वर्ष 2021-22 में। अगर हम अनुदान की बात करें तो लघु सीमांत कृषकों को 70% और अन्य कृषकों को जो है इस सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर लगाने के लिए 50% का अनुदान मिलता है। यहां पर जो है आपके केंद्रांश और राज्यांश यानी कि केंद्र के द्वारा 33% और राज्य के द्वारा 37% लघु सीमांत कृषकों को दिया जाता है, और वैसे ही केंद्र की भागीदारी आपके अन्य किसानों के लिए 27% और राज्य की भागीदारी है आपका 23%। इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, केंद्र की भागीदारी कितनी है और राज्य की भागीदारी कितनी है इस अनुदान को देने में। नेक्स्ट है आपका किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना जो है ये आपका नलकूप स्थापित करने से है, नलकूप स्पेशली वृष्टि छाया प्रदेशों के लिए। अगर आप छत्तीसगढ़ की जलवायु वाला टॉपिक पढ़े होंगे तो जो वृष्टि छाया प्रदेश है वहाँ पर मानसून पर्याप्त रूप से नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण वहाँ पे जब मानसून नहीं पहुँचता, मानसूनी पवने नहीं पहुँचती, तो वहाँ पे पर्याप्त वर्षा नहीं होती। तो उन क्षेत्रों में जो खेती करने वाले जो किसान हैं उन्हें सिंचाई के लिए नलकूप स्थापित करने के लिए जो है अनुदान दिया जाता है। भू जल का नलकूपों के द्वारा समुचित उपयोग उत्पादकता में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नलकूप अनुदान प्लस पंप को स्थापित करना, यानी कि बोर करा करके देना और उसमें पंप प्रतिस्थापित करना, यह एक राज्य पोषित मिशन है। इसमें एससी एसटी वर्ग के लोगों को 43,000 रुपए, ओबीसी वर्ग के लोगों को 35,000 रुपए और सामान्य वर्ग के किसानों को 25,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन क्या है, नाम से स्पष्ट है, उद्यानिकी यानी कि इसमें बागवानी फसलों को के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। बागवानी फसल यानी कि चाय कॉफी ये सभी के सभी क्या है, बागवानी फसलें हैं। ये जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना वित्तीय वर्ष 2000
5-6 में, इस समय आपकी दसवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। वित्तीय वर्ष 2005-6 में इस राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन को लागू किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत हमारे प्रदेश के 20 जिले शामिल है। कौन कौन से है? बिलासपुर, गोरेला पिंडरा मरवाही, दुर्ग, कबीरधाम, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जगदलपुर, रायपुर, कोरिया, जशपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलरामपुर, सूरजपुर, कोंडागांव, आपका गरियाबंद और बलौता बाजार, ये सभी के सभी आपके सम्मिलित 20 जिले हैं, ठीक, जो कि बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। प्रश्न पूछा जाएगा और आया भी हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत हमारे प्रदेश की कुल कितनी आपकी कुल कितने जिले सम्मिलित है, तो कुल कितने जिले सम्मिलित है? 20 जिले सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलिए ठीक है पढ़ लेते एक बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किस वर्ष लागू हुआ, पूछ सकता है। खरीफ वर्ष 2016 में इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया। इसमें क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है मापदंड के आधार पर, जैसे कि बुआई न हो पाने की स्थिति में, फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में, यानी कि फसल लगा हुआ है और अचानक से आपकी भारी बरसात हो गई, ओले पड़ गए तो फसल बर्बाद हो गया, तेज हवाओं से फसल बर्बाद हो गया, स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति की स्थिति में, फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में, फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखने के लिए फैलाकर रखी गई फसलों के नुकसान की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया गया खरीफ 2016 में। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की स्थिति में बीमित कृषकों की संख्या, खरीफ और रबी फसल दोनों को मिला करके देखिए, तो हमारे प्रदेश में बीमित कृषकों की संख्या इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 16.09 लाख थी, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बीमित कृषकों की संख्या खरीफ फसल के लिए 13.95 लाख, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6,97,567 किसानों को आपका खरीफ और रबी के अंतर्गत दावों का भुगतान किया गया है। इसमें 16.09 लाख किसान जो है इसमें बीमित थे, जिसमें से 6,97,567 किसान जिनके फसलों का नुकसान हुआ उन्हें जो है भुगतान किया गया है इस बीमा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका साकम्बरी योजना। अब साकम्बरी योजना क्या है, देखिए, जो आपका किसान समृद्धि योजना है ये वृष्टि छाया प्रदेशों के लिए है, और उसके विपरीत जो साकम्बरी योजना है ये राज्य के समस्त जिलों में लागू होगा। ये भी नलकूप स्थापना को जो है नलकूप स्थापना के लिए आपका अनुदान दिया जाता है। प्राकृतिक जल स्रोत सिंचाई संसाधनों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लघु एवं सीमांत किसानों को जो है इसके अंतर्गत पात्रता में रखा गया है। इसमें कूप निर्माण यानी कि बोर कराने के लिए 50% और पंप क्रय करने के लिए 75% का अनुदान दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है लघुत्तम सिंचाई योजना। लघुत्तम सिंचाई योजना जो कि तालाबों के निर्माण से संबंधित है, यह एक राज्य पोषित यानी कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। देखिए, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई के लिए न तो आपका जलाशय मौजूद है, न तो वहाँ पर पर्याप्त तौर पर आपके नहर पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ पर तालाबों का निर्माण किया जाता है। 40 हेक्टेयर तक की सिंचाई क्षमता के यहाँ पे जो है तालाबों का निर्माण किया जाता है इस लघुत्तम सिंचाई योजना के अंतर्गत। शासकीय भूमि पर, गवर्नमेंट की भूमि पर इस तालाबों का निर्माण होता है और 100% इसमें शासकीय व्यय होता है। 100% शासकीय व्यय यानी कि जनरली इन तालाबों का निर्माण जो है मनरेगा के अंतर्गत किया जाता है, मनरेगा मजदूर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अक्ति बीज संवर्धन योजना। अभी अक्ति बीज संवर्धन योजना क्या है, देखिए, यह एक राज्य पोषित योजना है। कृषक समग्र विकास योजना के अंतर्गत यह योजना संचालित है। गुणवत्ता युक्त प्रमाणिक बीजों का उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। यह देखिए, जनरली जो है फसल खराब होने का कारण क्या होता है कि किसान पुराने और आपके अपरिष्कृत बीजों का, खराब बीजों का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से जो है फसलें खराब होती है। तो इस अक्ति बीज संवर्धन योजना के अंतर्गत गुणवत्ता वाले अच्छे किस्म के बीजों को उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। इसमें अनाज फसल के जो बीज हैं, अगर किसान इस योजना के अंतर्गत अनाज फसल की बीज लेते हैं तो उन्हें ₹500 प्रति क्विंटल देना पड़ेगा बीज के लिए। तिलहन फसल की बीज लेते हैं तो ₹1,000 प्रति क्विंटल देना पड़ेगा बीज के लिए। उसी के विपरीत जो सूरजधारा योजना है ये भी बीजों की अदला बदली संबंधित है। यहाँ पे देखिएगा, इस अक्ति बीज संवर्धन योजना के अंतर्गत बीजों को खरीदना पड़ रहा है उचित कीमत दे करके, और यहाँ पर बीजों का अदला बदली है। उद्देश्य वही है कि खराब बीजों के स्थान पर अच्छे बीजों का प्रयोग करना, कृषकों को जो है अलाभकारी बीजों के बदले लाभकारी फसलों के उन्नत बीज प्रदान करना, यानी कि उनके पास जो पुराने बीज मौजूद है वो ला करके देंगे और उसके बदले वो जो है आपके लाभकारी यानी कि उच्चतम गुणवत्ता वाले बीजों को लेकर के जा सकते हैं। इसमें 1 हेक्टेयर तक की भूमि के बीज प्रदान किए जाते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। इसमें मुख्यतः दलहन और तिलहन फसलों के बीजों को प्राथमिकता दी जाती है इस सूरजधारा योजना के अंतर्गत, ठीक।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये तो केंद्र सरकार द्वारा आपका केंद्रीय पोषित योजना है। औपचारिक तौर पर यह प्रारंभ किया गया वित्तीय वर्ष 2019 में। इसमें 6,000 रुपये अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। प्रति 4 माह में 2,000 रुपये के हिसाब से एक साल में 6,000 रुपये जो है केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है। हमारे प्रदेश में इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 31.64 लाख छत्तीसगढ़ पंजीकृत किसान है। नवंबर 2022-23 तक की स्थिति में किसान परिवार जिनका नाम भू अभिलेख, अभी हमने देखा था भू अभिलेख रिकॉर्ड 2019 में दर्ज रहता था, अपवर्जन श्रेणी में नहीं आते, उन्हें जो है इस योजना का लाभ मिलता है। नेक्स्ट है कृषक जीवन ज्योति बीमा योजना। अब ये कृषक जीवन ज्योति योजना क्या है? ये योजना प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2009 को। ये कृषक जीवन ज्योति योजना प्रारंभ हुआ। इसका जो उद्देश्य है कृषि पंपों के विद्युत खपत पर छूट देना। किसान जो है जो कृषि पंप यूज़ करते हैं खेतों की सिंचाई के लिए, तो उसमें जो बिजली बिल आता है उस बिजली बिल में छूट प्रदान करना। हमारे प्रदेश में 6.26 लाख पात्र हितग्राही है इस योजना के अंतर्गत सितंबर 2022 तक की स्थिति में। बिजली बिल में अगर हम छूट की बात करें तो 3 हॉर्स पावर तक के पंपों पर 6,000 यूनिट प्रतिवर्ष और 3 से 5 हॉर्स पावर तक के पंपों पर 7500 यूनिट प्रतिवर्ष इसमें छूट प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार ने आपका कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहज बिजली बिल योजना को भी लाई है। कृषि पंपों में बिजली बिल का टैरिफ रेट के स्थान पर, ठीक है थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे टैरिफ रेट के स्थान पर फ्लैट रेट। जैसे कि जनरली जो घरों में हम जो बिजली यूज़ करते हैं शहरी क्षेत्रों में, वहाँ पर जनरली टैरिफ रेट यूज़ होता है। एक यूनिट के लिए 3 रुपये, 3.5 रुपये, 4 रुपये, ये यूनिट के हिसाब से बिजली बिल लगता है एक यूनिट के बिजली खपत पर। तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है कि टैरिफ रेट, ये जो अलग अलग रेट है, टैरिफ रेट के स्थान पर फ्लैट रेट। जैसे कि 5 हॉर्स पावर तक के पंप या उससे कम का अगर पंप यूज़ कर रहे हैं तो पहले या दूसरे पंप पे, जनरली किसान जो है अपने खेतों में 2-2 पंप, 3-3 पंप, 4-4, 5-5 पंप लगा करके रखते हैं, तो पहले और दूसरे पंपों के लिए 200 रुपये प्रति HP प्रति माह। 5 हॉर्स पावर तक या उससे कम तीसरे, चौथे या पांचवे या अन्य पंप के लिए 300 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह देना होगा। 5 हॉर्स पावर से ज़्यादा के लिए पहले दूसरे पंप में 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह, 5 हॉर्स पावर से ज़्यादा के लिए तीसरे, चौथे और अन्य पंप के लिए 300 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह देना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक किसान है जिसका जो आपका मोटर जो वो पंप यूज़ कर रहा है उससे 16,000 वो यूनिट बिजली का खपत कर रहा है एक साल में, तो उससे 6,000 का तो जो है छूट इसमें मिल जाएगा, लेकिन बचे हुए 10,000 को जो है 10,000 यूनिट पर उसे टैरिफ रेट के हिसाब से बिल देना पड़ेगा जो कि काफ़ी महंगा हो जाएगा। तो उसके लिए प्रदेश सरकार क्या करी है, उसके लिए लाई है प्रदेश सरकार ने फ्लैट रेट। उसमें एक रेट निर्धारित कर दिया गया है। उसमें एक एचपी यानी कि मान लीजिए 5 HP का पावर है तो 1 HP के लिए 200 रुपये, 5 HP के लिए कितना हो जाएगा टोटल 1,000 रुपये, तो 1 HP के लिए 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह देना पड़ेगा। तो ये आपका रेट निर्धारित किया गया है। ये सहज बिजली बिल योजना कृषक जीवन ज्योति योजना का ही पार्ट है। ये लागू हुआ आपकी 2018 में। देखिए कृषक जीवन ज्योति योजना कब आया, कृषक जीवन ज्योति योजना आया आपका 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 को, जबकि ये सहज बिजली बिल योजना के अंतर्गत इसे जोड़ा गया अगस्त 2018 के आसपास। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना। इसकी शुरुआत हुई आपके फरवरी 2015 से। भूमि पोषण अधिनियम BPA वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार के द्वारा इसका नाम, देखिए इस योजना का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का नाम आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 में से इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है भूमि पोषण अभियान। इस योजना के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करके किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। कोविड-19 के बाद से इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया जा रहा है, यानी कि कोविड-19 जब आया तब से जो है ये आपका भूमि पोषण अभियान या सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना जो है ये ठंडे बस्ते में चला गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सौर सुजला योजना। सौर सुजला योजना, प्रश्न पूछा जाएगा सौर सुजला योजना की शुरुआत कब हुई, वर्ष 2016 से। उद्देश्य विद्युत विहीन खेत, यानी कि ऐसे खेत जहां पर
इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पहुंचा नहीं है, जहां पर अभी तक जो है आपके पोल वायर आपके जो बिजली के जो खंभे जहां पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो विद्युत वहीन खेतों में सौर सिंचाई पंपों को अंशदान पर स्थापित करना, प्राथमिकता प्रदान करना। जहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जिन खेतों तक अभी तक पहुंचा नहीं है, वहां पर ऐसे पंप जो कि सूरज की ऊर्जा से चलते हैं, सौर सिंचाई पंपों के लिए अंशदान प्रदान करना। लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,000 सौर सिंचाई पंप स्थापित करने का लक्ष्य है। सिंचाई पंप इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 3 हॉर्स पावर एवं 5 हॉर्स पावर के कुल 117,212 से अधिक सिंचाई पंपों की स्थापना की जा चुकी है विगत 4 वर्षों में। इसमें जो है अब पिछले 4 वर्षों में 71,465 से अधिक सोलर पंपों की स्थापना की गई है। अगर अंशदान की बात की जाए तो देखिए 3 हॉर्स पावर तक के पंप पर SC/ST कैटेगरी के किसानों को 7,000 रुपये, OBC किसानों को जो है आपका 3 हॉर्स पावर तक के पंप पर 12,000 रुपये और जनरल सामान्य वर्ग के किसानों को 18,000 रुपये का अंशदान देगी। अगर वो 5 HP तक के सोलर पंप लगा रहे हैं, आपके सौर ऊर्जा संचालित पंप लगा रहे हैं, तो ST/ST वर्ग के किसानों को 10,000 रुपये, OBC वर्ग को 15,000 रुपये और सामान्य वर्ग के किसानों को 20,000 रुपये तक का अंशदान प्रदान करेगी राज्य सरकार। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये जो योजना है ये प्रारंभ हुआ वित्तीय वर्ष 2014-15 में। वर्षा जल का संग्रहण करना, संचय करना, सिंचाई स्रोतों का विकास करना, भूजल वर्धन उपलब्ध कराना, भूजल वर्धन तथा उपलब्ध जल का दक्षतापूर्ण उपयोग करना, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कुल 54,931 करोड़ रुपये की राशि 5 वर्षों के लिए इसमें प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 25,94,284 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए कृषि यांत्रिकरण, ये कुछ नहीं है, कृषि के यांत्रिकरण यानी कि कृषि टेक्नोलॉजी से संबंधित है। प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र यानी कि कृषि से जुड़े हुए आपके इक्विपमेंट, यांत्रिकरण का मतलब क्या होता है मशीनें, किराए पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीणों के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, विभिन्न कृषि कार्यों के सुगमता पूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादकता में वृद्धि करना, स्थापना कृषि यंत्र सेवा केंद्र और फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की गई है इस कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत। कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना हेतु अगर कोई आपका युवा इसमें अपना स्वरोजगार अगर लाना चाहता है, अपना कोई अगर उसमें जो है ये कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित करना चाहता है तो उसे 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य में अब तक 2805 कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है गोधन न्याय योजना, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाएगा कि गोधन न्याय योजना कब शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 20 जुलाई 2020-21 से ये जो है यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 है, अगर डेट की बात करें तो आपका 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई। उस दिन हरेली त्यौहार था, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब हुई, 20 जुलाई 2020 से हरेली त्यौहार के दिन से। किसानों से गोबर की खरीदी जो है ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। गोबर की खरीदी करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इस गोधन योजना को शामिल किया गया है। हमारी प्रदेश सरकार जो गौठान बनाती है, गौठान समितियों के द्वारा 2 रुपये प्रति किलो की दर से अब तक 86.46 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी कर 3.98 लाख पशुपालकों से क्रय कर चुकी है। यानी कि इतने क्वांटिटी में 86.46 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी 3.98 पशुपालकों से कर चुकी है हमारी प्रदेश सरकार अब तक। अब इस गोबर को खरीद करके प्रदेश सरकार क्या करती है, इस गोबर को खरीद करके प्रदेश सरकार उससे वर्मी कंपोस्ट बनाती है, सुपर कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट प्लस, ये एक प्रकार के आपके कंपोस्ट यानी कि खाद है। तीन कैटेगरी में 3 क्वालिटियां बनाती है, वर्मी कंपोस्ट जो कि 10 रुपये प्रति किलो की दर से, सुपर कंपोस्ट जो कि 6 रुपये प्रति किलो की दर से और सुपर कंपोस्ट प्लस जो कि 6.5 रुपये प्रति क्विंटल प्रति किलो की दर से बेचती है। यानी कि गौठानों से गोबर खरीद करके उसका कंपोस्ट बना करके उन्हें इन रेट पर बेचती है। उत्पादन कितना हुआ, विक्रय कितना हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ मेंस के लिए आपका काम आता है, प्री के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री के हिसाब से ये रेट लिस्ट थोड़ा देख लेना, इसमें वही आपका बताया गया है कि गोबर जो है 2 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाता है। स्व सहायता समूहों की सहायता से किसान के घर से वजन करके गोबर की खरीदी की जाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके खाद की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से की जाती है। वर्मी कंपोस्ट की बिक्री 10 रुपये प्रति किलो की दर से की जाती है। ये सारा रेट देख लेंगे। नेक्स्ट है एक मार्ग नेट पोर्टल। अब ये क्या है,
एक मार्क नेट पोर्टल जो है ये मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क भारत सरकार के द्वारा ये जो है आपका एक मार्क नेट पोर्टल शुरू किया गया। कंप्यूटर के माध्यम से मंडियों में दैनिक आवक भाव की जानकारी पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से प्रेषित की जाती है। अगस्त 2006 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के कुल 69 कृषि उपज मंडी और 118 उप मंडियों की जानकारी नियमित रूप से प्रदान की जाती है। अगर साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो जब कभी भी आप रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो रेलवे स्टेशन में वहां पर जो है बड़े बड़े वहां पे स्क्रीन लगे रहते हैं, एलईडी स्क्रीन, जिस पर कौन सा ट्रेन कितने बजे आने वाला है, कितने बजे छूटने वाला है, ये जानकारी मिलता है। वैसे ही हमारे प्रदेश में जो है आपकी कृषि उपज मंडियां हैं, वहां पर कौन सा कृषि उपज कितनी मात्रा में आया है और किस रेट में बिकेगा उसकी जानकारी प्रदान की जाती है इसके माध्यम से, एक मार्क नेट पोर्टल के माध्यम से। सेम कॉन्सेप्ट में है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, ये लागू किया गया वित्तीय वर्ष 2020-21 से। मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है। इसमें जो है ये जो आपका योजना है, इस योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, यानी कि ऐसे आपके जो क्षेत्र जो कि समुद्र से नहीं लगे हैं, अंतर्देशीय मत्स्य पालन एवं पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के व्यापक क्षेत्र में किसानों की आय दुगनी करना। बस ये याद रखना कि मत्स्य संपदा योजना कब लागू हुआ, वित्तीय वर्ष 2020-21 से कितने साल के लिए लागू हुआ है, 5 साल के लिए लागू हुआ है, बाकी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद कुछ मिसलेनियस है कृषि अधोसंरचना से रिलेटेड, जैसे एग्रो मार्केट या सी मार्ट, ये कहाँ शुरू हुआ, धमतरी में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। ये अनुबंधित है आपका री शुगरेंट इंडिया लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। इससे क्वेश्चन आए नहीं है लेकिन फिर भी सुन करके रख लीजिए। कृषि गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ये स्थापित किया गया है आपके रायगढ़ और राजनांदगांव में। कृषि यंत्र प्रशिक्षण प्रयोगशाला रायपुर में है। बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में है। बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में है। सब्जी बीज प्रगुणन क्षेत्र ये आपका रायपुर के बाना में और दुर्ग के राजपुर में है। पौधा संरक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला जो कि आपके राजनांदगांव और रायपुर में है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये कृषि उपज मंडी और उप मंडी। हमारे प्रदेश में अगर कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये इनकी संख्या है 69 और उप मंडियों की संख्या कितनी है, 118, ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंचाई परियोजना। कुछ सिंचाई परियोजना है जिनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे अरपा भैंसाझर परियोजना। अरपा भैंसाझर परियोजना जो कि बिलासपुर जिले के कोटा के भैंसाझर ग्राम में है। इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा और तखतपुर। इसकी सिंचाई क्षमता है 25,000 हेक्टेयर। वैसे मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना जो कि कोरबा जिले के बांगो में है, इससे कोरबा, जांजगीर चांपा और जांजगीर चांपा से पृथक होकर शक्ति बन रहा है, जांजगीर चांपा शक्ति और रायगढ़, इसकी सिंचाई क्षमता है 4.20 लाख हेक्टेयर। और केलो जो कि रायगढ़ के दनोट ग्राम के अंतर्गत है, इससे रायगढ़ खरसिया सरिया रायगढ़ में और जांजगीर चापा का चंद्रपुर यानी कि अब शक्ति में आ चुका है। ये जो है आपका, देखिए इसमें जितने भी आंकड़े दिए ना 28 जिले के आधार पर दिए, 5 नवगठित जिलों को इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक। इसकी सिंचाई क्षमता है 22,810 हेक्टेयर। अगर अब हम देखें तो ये जो केलो परियोजना और अरपा भैंसाझर परियोजना है ये निर्माणाधीन है, जबकि मिनी माता बांगो परियोजना जो है इसकी जो सिंचाई क्षमता है ये है आपको 4.20 लाख। ये एग्जाम में आया हुआ है कि हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है और उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले लाभान्वित है, तो ये दोनों को याद रखना क्योंकि निर्मित है और इससे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, 4.02 लाख का। अब नेक्स्ट है औद्योगिक संस्थानों को जल आपूर्ति के लिए निर्मित बैराज। औद्योगिक संस्थानों में जल आपूर्ति के लिए निर्मित बैराज, जैसे कि बस बैराज के नाम याद रखने हैं। रायपुर में जो है आपका समोदा बैराज जो कि एक उद्योग को जल आपूर्ति करता है। जांजगीर चांपा में है शिवरी नारायण बैराज जो कि 2 उद्योगों को जल आपूर्ति करता है। वैसे ही जांजगीर चांपा में है बसंतपुर बैराज जो कि 2 उद्योगों को जल आपूर्ति करता है। मिरौनी बैराज, साराडीह बैराज और आपका कलमा बैराज। कलमा बैराज भी आपका कहाँ पर है, ये भी मौजूद है आपके शक्ति में, ठीक है, रायगढ़ नहीं शक्ति में। तो इनके नाम थोड़ा सा याद रख लेना, प्रश्न ये याद रखना कि बैराजों के माध्यम से कितने औद्योगिक संस्थानों को जो है जलापूर्ति की जा रही है, तो टोटल 17 उद्योगों को जलापूर्ति की जा रही है वित्तीय वर्ष 2022-23 की स्थिति में। बाकी बैराजों के लोकेशन पर आप एक बार नजर डाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रामोत्थान योजना। ग्रामोत्थान योजना जिसकी शुरुआत 2006-07 से हुई, राज्य शासन द्वारा संचालित योजना है।
इसका उद्देश्य राज्य में पशु नस्ल पर सुधार करना, पशुओं की जो नस्ल है उसमें सुधार करना और कृषकों की आमदनी में वृद्धि करना। इसमें उन्नत नस्ल के सक्षम तथा ताकतवर